हेलो गाइस, मैं हूँ विभूति ओझा और आज के इस वीडियो में हम लोग एक हैमर बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए, एक पिक्चर को मैंने इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो इसी को आज हम लोग बनाना सीखने वाले हैं। किस तरीके से ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है उसको किस तरीके से हम लोग मॉडल कर सकते हैं। और नीचे तो कुछ है नहीं, इसमें हम लोग टेक्सचर करेंगे। बट जब टेक्सचर का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे तब उसमें देखेंगे किस तरीके से टेक्सचर होगा। अभी आज के वीडियो में तो सिर्फ हम लोग मॉडलिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस पिक्चर को माया में फटाफट इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये मैं 4 व्यू ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ से 4 व्यू ले रहा हूँ। और मैं क्या करूँगा कि एक इमेज प्लेन ले करके, और ये डेस्कटॉप पर ये है, इसको यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, और इसी को देख करके हम लोग मॉडल करेंगे इसको। हम लोग रेफरेंस इमेज की तरह तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट मैं एक काम करता हूँ, उसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। और मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्योर रेफ। ठीक है, तो ये रहा प्योर रेफ। ये क्या काम करता है कि इस पर हम लोग जो भी हमारा जो इमेज है उसको हम लोग ला करके इस पर रख सकते हैं, और फिर इसको किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी सॉफ्टवेयर के ये ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक एडजस्ट कर देता हूँ। ये हमारा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर माया के ऊपर ये एडजस्ट हो गया है। अब मैं इसको कहीं से भी जूम करके इसको देख सकता हूँ। ठीक है, अगर इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, मैं इसके बारे में दूंगा बताऊंगा कि किस किस तरह कैसे इसको डाउनलोड करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक सिलेंडर ले लेता हूँ और उसका नीचे वाला पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, यहाँ से फिर कम, फिर थोड़ा यहाँ बाहर निकला है, फिर यहाँ पर कम है। ठीक है, तो स्केल लेंगे, आर प्रेस करेंगे, स्केल लेंगे और इसको, ठीक है इतना काफ़ी है, और इसको ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, आप चाहे तो थिकनेस अपने अकॉर्डिंग इसको मेंटेन कर सकते हैं, कितना रखना है कितना नहीं। ठीक है, और अभी कुछ सेगमेंट्स मैं ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ से भी बाहर है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मल्टी कट टूल लेकर के एक सेगमेंट यहाँ पर और एक सेगमेंट कुछ यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक, और अब वर्टेक्स मोड में आते हैं। ये थोड़ा सा ये इसको स्केल अंदर की तरफ करेंगे हल्का सा, और ये थोड़ा सा बाहर की तरफ स्केल होगा, ये बाहर की तरफ स्केल होगा। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सपोर्टिंग एज डाल देते हैं ताकि इसको स्केल करते वक्त ऊपर का पार्ट स्केल ना हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत स्मूथ दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बेवल कर देंगे। ठीक है, एक सेगमेंट ऐड करेंगे और फ्रैक्शन को थोड़ा सा कम, इसको भी बेवल करेंगे, एक सेगमेंट ऐड करेंगे और फ्रैक्शन को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इसको यहाँ से देखें तो ये प्रॉपर सर्कल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से ये फ्लैट है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर के और स्केल करके यहाँ कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ से भी थोड़ा सा बेवल करेंगे क्योंकि ये एक लकड़ी है तो इतना शार्प एज तो इसका रहेगा नहीं, तो थोड़ा सा इसको इसमें सेगमेंट ऐड करके इसको बेवल करेंगे
इतना रखेंगे और इसको 3 प्रेस करने पर हाँ ठीक है, ये भी इसको भी थोड़ा सा बेवल करके राउंड शेप दे देंगे। फ्रैक्शन को इतना रखते हैं। चलिए तो ये तो बन गया, अभी इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले तो एक बॉक्स लेंगे, एक बॉक्स लेंगे और इसके ऊपर ले लेंगे ठीक है, और फिर इसको स्केल करके ठीक इसको इतना दूर स्केल करेंगे हम लोग, इसकी थोड़ा सा हाइट को भी थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेंगे, ये यहाँ तक अंदर आना चाहिए है ना, इसके विथ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसको भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है ठीक है, यहाँ पर एक गोल है, कंप्लीट गोल नहीं है, थोड़ा सा ओवल टाइप का है, तो ये बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक मल्टी कट टूल लेंगे और फिर एक सेंटर में कर देंगे, क्योंकि एकदम सेंटर में ये होल है, सर्कल है, तो इसको पकड़ेंगे और देन बेवल करेंगे ठीक है, और फिर फ्रैक्शन को। अच्छा ये जो सर्कल है, क्योंकि हम लोग इसको रेफरेंस की तरह यूज़ नहीं कर रहे, बस देख करके बना रहे हैं, तो एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर क्या है वो पता करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसी में हम लोगों को देखना होगा। तो ये जो सर्कल है, ये दोनों, ये जो लकड़ी है नीचे का जो ये इसका पकड़ने वाला है और हैंडल है, इसके ये बीच में ही आ रहा है ठीक है, तो हम लोगों को सेगमेंट को भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है। अभी यहाँ पर दोबारा से एक मल्टी कट टूल देंगे और एक यहाँ पर लगा देंगे ठीक। अभी यहाँ कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4, 4 फेसेस में एक सर्कल अपने अच्छा से बन जाता है ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर इन दोनों सर्कल फेसेस को, चारों फेसेस को सेलेक्ट करेंगे, ये इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कुलराइज का ऑप्शन है ठीक है, यहाँ पर एक सर्कुलराइज का ऑप्शन है, तो इसके ऑफसेट को हम लोग रेडियल को हम लोग थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले ऑफसेट कर लेते हैं, कंट्रोल ई से एक्सट्रूड करेंगे और हल्का सा ऑफसेट करेंगे ठीक है। और अभी देखते हैं यहाँ पर सर्कुलराइज का ऑप्शन है, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो आप मेश टूल में आ सकते हैं और या एडिट मेश में होगा, एडिट मेश में आएंगे तो यहाँ पर सर्कुलराइज का ऑप्शन है, ये देखिए ये हो गया। और अभी इसको क्या करेंगे, इसके रेडियल ऑफसेट को थोड़ा सा कम करेंगे, याद रखिए ये पूरा यहाँ प्रॉपर नीचे तक आ रहा है, तो हमें भी इसको उस तरीके से करना होगा ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको पकड़ के थोड़ा इस तरीके से कर देंगे और इन दोनों फेसेस को पकड़ेंगे, कंट्रोल ई एक्सट्रूड और अंदर की तरफ हल्का सा ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, 3 प्रेस करेंगे तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आने लगेगा ठीक। तो अभी हम लोग इसको सपोर्टिंग एज डाल करके सही कर देंगे। अभी क्या करना है कि अब ये वाला पार्ट बनाना है ठीक, तो ये वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से एज में आएंगे, मल्टी कट टूल लेंगे और एक सेंटर में यहाँ पर भी लगा देंगे एज, और उसके बाद क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे और ये कुछ यहाँ से ऐसे नैरो हो रहा है ठीक, आगे की तरफ निकला हुआ है
हम लोग एक पार्ट को बनाएंगे, इस पार्ट को बनाएंगे, इस पार्ट को हम लोग फिर हाफ मिरर कर देंगे। तो इसको इतना दूर तक हम लोग लेते हैं, ठीक है, इतना दूर तक लेंगे। एक मल्टी कट टूल दोबारा से एक सेंटर में लेंगे, राइट क्लिक, एज मोड, और फिर इसको स्केल करके अंदर की तरफ कर देंगे। बेवल लेंगे, कंट्रोल बी, बेवल, सेगमेंट इंक्रीज करेंगे और फ्रैक्शन को थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। टॉप व्यू पोर्ट में आते हैं, टॉप व्यू पोर्ट में आकर के फ्लोर प्रेस करके सारे वर्टेक्स को एक साथ सेलेक्ट करके और फिर उसको थोड़ा सा और कम करेंगे हम लोग, ठीक है। और इन सारे फेसेस को डिलीट कर देंगे। ठीक है, हमें एक सर्कल यहाँ पर भी हमें बनाना होगा, तो वो भी बन जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक, अब क्या करना है, अब हम लोग इसका मिरर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एज मोड में आएंगे और इसको और इसको दोनों को पकड़ के, सिर्फ बाहर वाले को, इसको पकड़ करके और हल्का सा बेवल करेंगे, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना। और अभी थ्री प्रेस कर रहे हैं तो वो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा वर्टेक्स पकड़ेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ का एज जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो एज है ये एकदम पूरा शार्प जा आ रहा है, कॉर्नर का एज। तो एक मल्टी कट टूल लेंगे और यहाँ से यहाँ पर, सॉरी, यहाँ से यहाँ पर एक दे देंगे और एक मल्टी कट टूल लेंगे यहाँ से यहाँ पर दे देंगे। और अभी वो शार्प इफेक्ट आने लगेगा, यहाँ पे आ रहा है शार्प इफेक्ट, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये वाला पार्ट बना लेते हैं जल्दी से। तो सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर लेकर के इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो चैनल बॉक्स एडिटर में आते हैं, चैनल बॉक्स एडिटर में आके इसको 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस फेस को इस फेस से कनेक्ट करना है, इस जो ये जो सिलेंडर है उसको इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे कर लेंगे और ये इससे प्रॉपरली अच्छी तरीके से तभी कनेक्ट होगा जब यहाँ पर जितने एजेस हैं उतने ही एजेस इन इसमें होने चाहिए, ठीक है, तभी मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको काउंट करना स्टार्ट करूँगा कितना है। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। एक तरीका है कि मैं इसको पकड़ पकड़ के काउंट करूं, दूसरा क्या है कि मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ विंडोज़ में वर्क स्पेस देखता हूँ कहाँ पर है, डिस्प्ले में हेड्स अप ग्रिड और यहाँ पर पॉली काउंट, पॉली काउंट है, ठीक है। तो पॉली काउंट मैंने ऑड कर दिया है, यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, हेड्स अप डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ से पॉली काउंट ऑन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स में आएंगे और इन सारे फेसेस को जब मैं वर्टेक्स को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ टोटल 12 वर्टेक्स दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल 12 वर्टेक्स है। अगर मैं सारे ही वर्टेक्स को सेलेक्ट करूँ तो टोटल 147 वर्टेक्स दिखा रहे हैं, ठीक। अब मैं एज सेलेक्ट करूँगा तो टोटल एज यहाँ पर दिखाएंगे, 286 एज है। राइट क्लिक करेंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे तो टोटल फेसेस कितने दिखा रहे हैं, 140 फेसेस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें वर्टेक्स का काम है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें आएंगे और ये टोटल 12 था तो हमें इसको 12 करना है। मैं इसके प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा और यहाँ पर सब डिवीज़न एक्सिस को 12 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये तो काम हो गया है, अब इसको बस इससे मैच करना है हम लोगों को, स्केल डाउन करेंगे। और ये काम अगर मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में आकर करूँ तो ज़्यादा अच्छे से होगा। तो यहाँ से मैं इसका वायर फ्रेम ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और लगभग इसको हम लोग फोर प्रेस करके देख लेते हैं कितना मैच हो रहा है। तो
ये कुछ यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर चाहें तो और थोड़ा सा और अगर चाहें तो और इसको हम लोग थोड़ा सा इसको हम लोग और मेंटेन कर सकते हैं, बट ये ठीक है। ठीक, तो अभी वर्टेक्स लेंगे और वर्टेक्स लेकर के इसको इतना दूर तक हम लोग ले लेते हैं, ठीक। और अभी क्या करेंगे, इसको इसके साथ मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसको यहाँ से आइसोलेट करेंगे और इस सारे एजेस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोबारा से सर्कुलराइज कर देंगे, ठीक है। और अभी ये सर्कुलराइज हो चुका है, तो अभी मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये यहाँ तक आ रहा है, बट इस एज को यहाँ तक आना चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस एज को पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ पर ले लेते हैं, थ्री, एक और काम कर सकते हैं, मैं बैक ले रहा हूँ उसको, और अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो सपोर्टिंग एज है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको बाद में लगाऊंगा, एंड देन अभी ये टोटल अगर मैं इसमें जाऊं तो अभी ये 12 से 10 हो जाने चाहिए। देखिए अभी इसमें मैं इसको चेंज कर रहा हूं इसकी वैल्यू, तो ये क्या आ रहा है, इस तरह का कुछ आ रहा है ना। रीज़न क्या है कि अब ये एडिट मोड में आ चुका है, इसमें हमने एडिटिंग कर दिया है, तो जिस कारण ये नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी इसको कंट्रोल जी कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अभी मैं अगर इसमें 10 करूँ हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एज मोड में आते हैं और इस एज को, ये जो सपोर्टिंग एज है इसको भी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, बाद में दोबारा हम लोग इसको जब मर्ज कर देंगे तब ऐड करेंगे, ठीक है। अभी इसको सेलेक्ट करेंगे, वर्टेक्स मोड में आएंगे तो ये कितने हो गए हैं, टोटल 8 हो गए हैं, ठीक है। एक बार बढ़िया से चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक, वर्टेक्स सारे सेलेक्टेड हैं, ठीक है, 8 है, 8 वर्टेक्स हैं। तो आइसोलेट मोड से बाहर आते हैं और इसको दोबारा से 10 से 8 कर देंगे, ठीक। अभी फिर दोबारा से आएंगे यहाँ पर और इसको स्केल करके यहाँ पर मैच करेंगे, ठीक। दोबारा से हल्का मैच करेंगे, ठीक है। उतना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम लोग मर्ज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उस वहाँ पर जाके अलाइन हो जाएगा। वर्टेक्स मोड में आएंगे और इसको यहाँ पर ले लेंगे, और मेरे ख्याल से एक और चीज़ यहाँ पर हो रही है, और वो है कि ये जो सरफेस है यहाँ से ऊपर की तरफ हुआ पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको पकड़ेंगे और इन सबको यहाँ से भी स्केल करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये सॉरी, यहाँ से ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये हैमर है। अभी दोबारा से इसको मैच करना होगा, तो दोबारा से स्केल डाउन, देन यहाँ पर दोबारा से स्केल
स्ट्रीट सेंटर पॉइंट पे लो। थोड़ा सा हल्का सा इसको और स्केल डाउन करेंगे, ठीक है। और अभी सेंटर पे ले लेंगे, तो इसको यहाँ पर वी प्रेस करेंगे और देन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। वी से क्या होता है, स्नैप पॉइंट ऑन हो जाता है। तो स्नैप क्या हो जाएगा, जब मैं इसको स्नैप करूँगा, वी ऑन प्रेस करूँगा, या फिर आप यहाँ से भी स्नैप पॉइंट ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्नैपिंग का ऑप्शन है, ये ग्रिड पर स्नैप कर सकते हैं, ये कर्व पे स्नैप कर सकते हैं, वर्टेक्स पर। तो ज़्यादातर ये तीन का यूज़ करते हैं। तो अगर आप ग्रिड पर को यूज़ करेंगे तो ये ग्रिड पर जाकर स्नैप होगा। देखिए मैं मूव कर रहा हूँ तो ये ग्रिड पर ही जाकर के स्नैप हो रहा है, ठीक है। अगर मैं वर्टेक्स ऑन करता हूँ पॉइंट, तो ये एक एक पॉइंट पर जाकर के ऐड हुआ, ठीक है। और अभी यहाँ पर कर्व है नहीं, तो कर्व पर ये शायद नहीं काम करेगा, ठीक है। तो देखिए अभी ये फ्रीली मूव हो रहा है, कर्व है नहीं, तो इसको तो स्नैप कर दिए हैं। अभी क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और यहाँ से सर्कुलराइज ऑन कर देंगे, ठीक है। और सर्कुलराइज ऑन करने के बाद थोड़ा सा स्केल भी करना पड़ेगा। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको स्केल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा इसी को ऊपर ले लेते हैं, ठीक ठीक है। तो इसको ऊपर ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, दोनों को पकड़ करके थोड़ा सा अगर इसको चाहे तो इसको स्केल किया जा सकता है मैच करने के लिए, इसको यहाँ से बाहर, ठीक है। इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, मैश में जाएंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों एक हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पकड़ पकड़ के एक एक वर्टेक्स को मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। जो जो वर्टेक्स जिसके सामने है वहीं पर हम लोग मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है वेल्ड, वेल्ड करने के लिए, ठीक है। वर्टेक्स को वेल्ड करने के लिए दो वर्टेक्स को पकड़ के हम लोग आपस में वेल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट मेश में भी ऑप्शन होगा ये वेल्ड का, मैं देख रहा हूँ कहाँ पर है, मर्ज टू सेंटर फ्लिप मेश स्टूल में, ठीक है। इसमें तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर ऑप्शन है वेल्ड का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस वर्टेक्स को पकड़ के इससे क्या करूँगा, अब हर एक वर्टेक्स को पकड़ पकड़ के वेल्ड करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। ये यहाँ सारे वर्टेक्स वेल्ड हो चुके हैं। थ्री प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सर्कल आ चुका है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बाहर हुआ पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर अब मैं टॉप व्यू पोर्ट में भी आ जाता हूँ, ठीक है। टॉप व्यू पोर्ट में आ करके इसको हल्का सा कम कर देंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सही से नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, थ्री प्रेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक मल्टी कट टूल लेंगे और यहाँ पर एक दे देंगे, ठीक है, मल्टी कट टूल। और उस वर्टेक्स को थोड़ा सा पकड़ के आगे करेंगे और देन यहाँ से अंदर की तरफ, चारों तरफ से नहीं हुआ, ये कुछ इस तरीके से चाहिए, ठीक है। मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जा रहा हूँ, तो ये ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको इस एज को यहाँ से पकड़ेंगे और बेवल कर लेंगे, सेगमेंट एक बढ़ा देंगे और यहाँ से इसको ये कर देंगे, इसको इसको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। और एक और काम कर सकते हैं, इन सारे फेसेस को सेलेक्ट करके, इसको फेस को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है,
मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर एक बेवल लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेवल और वहाँ पर एक बेवल यहाँ पर भी कर देते हैं। क्या हुआ, एज क्या हुआ, लूप नहीं सेलेक्ट हो रहा है। और ठीक नहीं, किसी कारण से लूप नहीं सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, बट सारे फेसेस तो सेलेक्ट हैं, बेवल बेवल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, देखता हूँ क्या है। थ्री प्रेस करेंगे, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, दोबारा से एक मल्टी कट टूल लेंगे और यहाँ ऊपर में एक मल्टी कट टूल लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। लग गया, एक मल्टी कट टूल लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। थ्री प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का हो गया। बट क्या है, हमें ये वाला इफेक्ट यहीं तक चाहिए था, है ना। ये वाला इफेक्ट हमें यहीं तक चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से इसको पकड़ूँगा और वर्टेक्स को पकड़ के इसको, तो सबसे पहले इन दो सपोर्टिंग एज को अभी फिलहाल के लिए मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं फिलहाल के लिए अभी हटा देता हूँ और इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, इसको भी हटा रहा हूँ, इसको भी, ठीक है। दोबारा से इन सारे एजेस को सेलेक्ट करेंगे और एक बार दोबारा से सर्कुलराइज फिर कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये दोबारा से फिर एक कंप्लीट सर्कल बन चुका है, ठीक। यहाँ से भी मैं ये इस एज लूप को हटा रहा हूँ और इन सब को पकड़ के इसको एक बार थ्री प्रेस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वो इफेक्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के इसको भी सर्कुलराइज कर देंगे, ठीक है। तो इफेक्ट तो ऐसा कुछ खास आ नहीं रहा है, एक बार देख लेता हूँ। इसको सेलेक्ट ये नहीं हुआ था, ठीक है, इस बार देखते हैं। तो हो गया, ठीक। और अभी क्या है कि इन सारे वर्टेक्स को हमें जोड़ना होगा, ये जो वर्टेक्स अटैच नहीं है, तो ये इसके साथ जी प्रेस करेंगे, ये इसके साथ, एंड देन फिर जी प्रेस करेंगे, ये इसके साथ, दोबारा से जी प्रेस करेंगे और ये इसके साथ, ठीक है। तो सभी लग गया है, अभी वापस से एज मोड में आएंगे और इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से बेवल, एक सेगमेंट बढ़ाएंगे, फ्रैक्शन को दोबारा से कम कर देंगे, देन थ्री प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट तो सही आ रहा है, थोड़ा बहुत हमें चेंजेस करना होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी यहाँ से एक मल्टी कट टूल लेकर के एक सेगमेंट यहाँ पर और एक मल्टी कट टूल लेकर के, अगर पॉसिबल हो तो एक सेगमेंट यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, टॉप व्यू पोर्ट में जाएंगे और मैं क्या करता हूँ,
वर्टेक्स ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और इसको थोड़ा देर के लिए आइसोलेट करते हैं और इन दो वर्टेक्स को पकड़ करके भी थोड़ा सा राउंड करेंगे, सॉरी इन दो वर्टेक्स को पकड़ के थोड़ा सा राउंड करेंगे इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये इसको हटाएंगे, ये तो ये कुछ इस तरीके का हमारा हैमर बनेगा, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको यहाँ पर आइसोलेट है ही, फेस में आएंगे और यहाँ का फेसेस सारा डिलीट कर देंगे, गया। और प्रेस करने पर ठीक है, सब ठीक लग रहा है। थोड़ा सा अगर मैं चेंजेस कर सकूं तो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा, और बाकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, उसके पिवट पॉइंट को सबसे पहले तो इसका हिस्ट्री डिलीट करेंगे, तो फाइल एडिट में डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, डी प्रेस करेंगे, वी प्रेस करेंगे और इसके गिज़मो को यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, ठीक। और क्या करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और एक्स एक्सिस पर -1 करेंगे, ये ऑटोमेटिक आकर के लिख जाएगा। तो ये तो हो गया भैया अपना हैमर। इसको आइसोलेट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, मैश में जाएंगे, कंबाइन कर देंगे, ठीक है। एंड देन इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ के बीच में इसको थोड़ा सा सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा कुछ इस तरह कर लेंगे, ठीक। और इसको क्या करेंगे, फटाफट मर्ज कर देंगे, ठीक। तो अभी ये मर्ज हो चुका है ना। अब क्या करेंगे, इस फेस, इस फेस, इस फेस, ये चार फेसेस को सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से कंट्रोल ई और ऑफसेट करके इसको अंदर की तरफ ले लेंगे और फिर डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने से पहले मैं यहाँ से सर्कुलराइज कर लेता हूँ इसको, ठीक। तो इसको सर्कुलराइज करके इसके रेडियल ऑफसेट को भी घटा बढ़ा देते हैं, डायरेक्ट आते हैं इसके ऊपर, ये कितना है, थोड़ा सा ये बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्केल पकड़ के थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और कम करके, और इसको फ्रंट व्यू में आ करके मैं क्या कर रहा हूँ, डी एंड देन वी, सॉरी वी प्रेस करेंगे और नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक। फेस मोड में आएंगे, डिलीट करेंगे, दोबारा से इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर आएंगे और इन दोनों को एजेस को पकड़ेंगे और यहाँ से ब्रिज कर देंगे, ठीक। थोड़ा सा अगर मुझे लग रहा है कि ये छोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा इस तरीके से, कुछ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। दोबारा से इसको आइसोलेट करेंगे और इसको बेवल कर देंगे, कंट्रोल बी बेवल, फ्रैक्शन को दोबारा से बढ़ाएंगे, सेगमेंट को, सॉरी सेगमेंट को बढ़ाएंगे और फ्रैक्शन को कम कर देंगे। और अभी मैं 3 प्रेस करूँगा तो कंप्लीट सर्कल मिल रहा है, और ये देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है, चेक करना पड़ेगा क्या है। अच्छा, ये उसके साथ जा करके मैथ मर्ज हो गया है ना, ठीक है। मर्ज करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि यहाँ का जो, जब मैं इसको सिमेट्री करके मर्ज कर रहा था तो ये यहाँ का पार्ट भी इससे साथ जा करके मर्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक
है कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ अंडू कर लेता हूँ इसको और दोबारा से इसको बैग जाते हैं। ठीक है, इसको से सुलेट मोड से बाहर आते हैं। ये अलग है, ये अलग, ठीक है, दोनों अलग है, दोनों को पकड़ेंगे और आइसोलेट करेंगे और देन मैश में जाके कंबाइन कर देंगे। अभी ये वाला पार्ट नहीं चिपकना चाहिए, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, सबको सेलेक्ट कर लूँगा, टॉप व्यूपोर्ट में आकर के सबको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। अभी ये मर्ज है सबके सब। ठीक है, तो अभी मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ तो अभी इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बेवल, इसको भी करना पड़ेगा, कंट्रोल वी बेवल और फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन बढ़ा देंगे। ठीक, 3 से प्रेस करके और इसको भी थोड़ा अंदर ले लेंगे। आ गया, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे, स्मूथ से बाहर आएंगे और फेसेस, सब चारों फेस को पकड़ेंगे, ऊपर के 4 फेसेस पकड़ेंगे और नीचे के 4 फेसेस पकड़ेंगे। कुछ नहीं, नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल ई एक्सट्रूड और ऑफसेट से इसको कम करेंगे, सर्कुलराइज करेंगे। ठीक है, रेडियल ऑफसेट को थोड़ा कम करेंगे, डिलीट करेंगे, सब ठीक है। और एज मोड में आ करके इस एज को क्या करेंगे, यहाँ से ब्रिज का ब्रिज कर देंगे। ठीक, दोबारा से इन दो एजेस को पकड़ेंगे और इन दोनों एजेस को पकड़ के रखे सेगमेंट को बढ़ाकर फ्रैक्शन को कम कर देना। ठीक है, 3 प्रेस करेंगे स्मूथ में और इसको क्या करेंगे, आर से स्केल करके थोड़ा सा छोटा करेंगे और ये प्रॉपर सेंटर में भी नहीं है तो इसको क्या करते हैं, सेंटर में अलाइन करेंगे यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, ये तो हो गया। और एक और चीज़ करेंगे हम लोग, इसको पकड़ेंगे और ये कंप्लीट सर्कल इसको रखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि नीचे का जो हैमर का हैंडल है वो कंप्लीट नहीं है तो ये भी कंप्लीट सर्कल तो नहीं होगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, कुछ छूटा नहीं है और इसको थोड़ा सा ना कर देंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे एंड देन इसको, ये अपना हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक और चीज बचिए बचा रह गया, क्या है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट है। मैं क्या करूँगा, इसको आइसोलेट करेंगे, वर्टेक्स सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, 1 प्रेस करेंगे, इसको यहाँ से इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर ऐसे थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया। सबको पकड़ेंगे
और एडिट में जाएंगे, डिलीट बाय टाइप एंड देन हिस्ट्री, और इसको क्या करते हैं, कलर इसका चेंज कर देते हैं। तो फेवरेट मटेरियल ब्लिन, हालांकि ब्लिन की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ब्लिन एक शाइनी मटेरियल है और ये एक आयरन का पार्ट है, तो शाइन कम ही करेगा। और तो क्या मैं क्या करूँगा, इसका स्पेकुलर जो है वो मैं कम कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अभी भी थोड़ा ज़्यादा है स्पेकुलर, तो स्पेकुलर वैल्यू को थोड़ा सा और कम करेंगे, ठीक? और इसको थोड़ा वुड का कलर दे देंगे। इसमें तो स्पेकुलर, वुड में तो स्पेकुलर एकदम नहीं होगा, तो मैं एक लैम्बर्ट ही ले ले रहा हूँ। लैम्बर्ट ले करके थोड़ा सा क्या करते हैं, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज क्रीम, थोड़ा कुछ इस कलर का कलर दे देते हैं, ठीक है? तो और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा दूसरा कलर कर देता हूँ। फेस पे जाएंगे और इन सबको थ्री थ्री प्रेस करके इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट होल्ड थ्री प्रेस करके इन सबको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक। इसमें मैं ब्लिन डालूंगा क्योंकि एक शाइनी मटेरियल है, तो ब्लिन टू में जाएंगे और इसको थोड़ा सा सिल्वर कलर का दे देंगे, ठीक है? और शाइन तो इसमें रहेगा ही, तो ये रहा कुछ, ठीक है? मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमारा हैमर बन गया है। तो आप इस मॉडल को बना करके देखें किस तरीके से इसको बनाना है। अभी हम लोग टेक्सचरिंग के जब पार्ट पर आएंगे तो सीखेंगे कि इसको टेक्सचर कैसे करना है। तो ये हमारा बेसिक हैमर है, इसको ट्यूटोरियल को आप फॉलो करके बनाने की कोशिश करें। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या फिर इस मॉडल में कुछ चीज़ नहीं समझ में आया है कि कैसे बना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तो उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।